नमस्कार बच्चों, गैसेस स्टेट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैरोमीटर की। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि बैरोमीटर की बात करेंगे, हम लोगों ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन पढ़ा था। अब बैरोमीटर हेडिंग डाल दीजिएगा, बैरोमीटर आप लोग, बैरोमीटर हेडिंग डालिएगा, ठीक है। अब ये बैरोमीटर क्या होता है तो लिखिएगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फुल स्टॉप। लिक्विड यूज इन द बैरोमीटर इज मर्करी, लिक्विड यूज इन द बैरोमीटर इज मर्करी बिकॉज इट इज नॉन स्टिकी, मतलब चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी, ठीक है, इट इज नॉन स्टिकी कॉमा प्रैक्टिकली नॉन वोलाटाइल, मतलब ऐसा भी नहीं उड़ जाता हो, ठीक है। और तीसरा, इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी इन लिक्विड वर्ल्ड, मतलब लिक्विड में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो इसी की होती है, तो इसलिए कम जगह में भी कम ज्यादा वजन मिल जाता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब प्रेशर जो कैसे निकालेंगे, इसका प्रेशर कैसे निकालेंगे बैरोमीटर में, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कि बैरोमीटर को, मर्करी को एक बर्तन में डाल देते हैं। बर्तन में क्या डाल दिया, मर्करी डाल दिया ऐसे, मर्करी को एक बर्तन में डाल दिया ऐसे, ठीक है। अब मर्करी को बर्तन में डालने के बाद इसके अंदर एक ऐसे यू आकार की, उल्टे यू आकार की एक ट्यूब डाल देते हैं जिसमें मर्करी भरा होता है, इसमें भी मर्करी ही भरा है, ठीक। और ये जो हिस्सा है ये वैक्यूम है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, वैक्यूम है, मतलब खाली जगह है। अगर यही खाली जगह में एयर भर जाए या कोई गैस भर जाए तो उसको फॉल्टी बैरोमीटर बोला जाता। अभी ये क्या है, बैरोमीटर है। ये मर्करी की जो हाइट है इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लेते हैं क्या है, एच है, समझ गए, एच हाइट है। अच्छा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट है बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट क्या है, ए। अच्छा, बराबर हाइट पर प्रेशर बराबर लगता है, जैसे इस जगह पे जो प्रेशर होगा इसी हाइट पे यहाँ पे प्रेशर बराबर होगा, दोनों प्रेशर बराबर होगा। जैसे पानी में ही आप चले जाए तो बराबर हाइट पर प्रेशर बराबर होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे दूर हो, मान लो 1 किलोमीटर दूर हो और नदी में हो और आप सेम हाइट पर हो तो प्रेशर बराबर होगा उस जगह पर, तो पानी के अंदर कह रहे हैं, पानी के बाहर नहीं, पानी के बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लगेगा, पानी के अंदर प्रेशर बराबर होगा, लिक्विड के अंदर प्रेशर बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सेम हाइट पर प्रेशर बराबर है, तो जैसे इस बी पॉइंट पर और इस ए पॉइंट पर क्या है, प्रेशर बराबर है। तो अब ये प्रेशर लग कैसे रहा है, तो ये जो मर्करी है ना, ये जो मर्करी ट्यूब में भरा गया है ये अपना मास कुछ mg लगा रहा होगा, मतलब मास की वजह से प्रेशर लगा रहा होगा क्या, mg। और ये जो है ये क्या है, ये एरिया है, एरिया है क्या है, ए, एरिया क्या है, ए।
और ये हाइट क्या हो गया, एच हो गया, समझ गए। तो आप जानते हैं कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए, या एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ए। अच्छा, यही P इंटू ए किसके बराबर होगा, M इंटू जी के बराबर होगा, मास इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब जो M है, M मास है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब हम बोल सकते हैं डी इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम है। अच्छा, इस ट्यूब का वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब वॉल्यूम आप किसका लेंगे, जहां तक मरकरी भरा होगा वहीं तक का लेंगे ना भाई, मास तो उसी का निकालना। तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी इनटू, मतलब इसकी वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, एरिया इनटू हाइट। तो हो गया डी इनटू ए इनटू एच, ये क्या आ गया, मास। ठीक है, अब जानते हैं कि पी पी इनटू ए इज इक्वल टू डी इनटू ए इंटू एच इंटू जी हो गया, मतलब ये देखो। अब ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी या एच डी जी बोल सकते हैं, एच डी जी थोड़ा बोलने में आसान रहता है, एच डी जी। ठीक है, इसी डी को कुछ लोग रो भी बोलते हैं, तो रो जी एच भी बोल देते, रो जी एच भी बोल देते। तो हम डेंसिटी बोल रहे हैं तो डी एच डी जी बोल देते, प्रेशर क्या है, एच डी जी, समझ गए। अब आपको क्या करना है, मरकरी की डेंसिटी लेनी है, मरकरी की क्या लेनी है, डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी लेनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मरकरी की डेंसिटी होती 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पी क्या है, प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, यहां लग रहा होगा पी, पी एटीएम मतलब, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 एटीएम मान ले, अब मान ले का मतलब क्यों है, आप बोलेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सर 1 एटीएम होता है, तो फिर मान लेने की क्या बात है। दरअसल क्या है कि 1 एटीएम हर जगह नहीं होता ना, जैसे आपके शहर में आप शिमला में रह रहे हैं तो 1 एटीएम तो नहीं होगा, आप सी लेवल पे हैं तो 1 एटीएम हो सकता, मतलब सी लेवल पे है तो 1 एटीएम होगा। अब जैसे आप समुंदर के लेवल पे तो घर बनाते नहीं, समुंदर के लेवल से थोड़ा ऊपर ही घर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर थोड़ा चेंज हो जाएगा, नहीं तो समुद्र की लहर आपके घर में नहीं घुस जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हम हर जगह पे प्रेशर मान लेते हैं 1 एटीएम, तो अगर हम इसको 1 मान ले, 1 एटीएम, तो 1 एटीएम मान लें तो इसको हम क्या लिख देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एच निकालना है हमको, डी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर दिया, जी 9.8 मल्टीप्लाई करके एच निकाल दिया। जब एच निकालते हैं तो ये एच आता है 76 सेंटीमीटर, ये एच जो आता है वो 76 सेंटीमीटर। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब प्रेशर लिखा जाता है 1 एटीएम, तो यहाँ पर लिखा जाता है 76 सेंटीमीटर और बगल में लिखा जाता है एच जी मरकरी, क्यों, क्योंकि ये हाइट मरकरी की है। मिलीमीटर में लिखते हैं तो 76
की जगह पर 760 लिख देते हैं मिलीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 760 लिख देते हैं, तो वो हो जाता है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला है प्रेशर का, ये फॉर्मूला है प्रेशर का, ठीक है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एट सेम हाइट प्रेशर इज सेम, एट सेम हाइट और डेप्थ भी लिख लीजिएगा, मतलब गहराई में हो चाहे ऊंचाई पर हो, एट सेम हाइट और डेप्थ प्रेशर इज सेम, प्रेशर हमेशा क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भाई मैंने बोला आपको कि ये जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 76 सेंटीमीटर एच जी आएगी, तो आपने 76 सेंटीमीटर एच जी मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने तो आपको प्रेशर का सब वैल्यू लिखवा रखा है ना एक जगह पर, भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपने लिख रखा है ये सब, तो ये क्या बोर्ड जो है ना वो स्टैंड पे टिका हुआ है, स्टैंड पे, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिटा रहे हैं, दीवार पे चिपका होता है तो जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, स्टैंड पे है जरा सा जोर लगा देंगे तो गिर जाएगा। तो अब क्या है कि हमने बैरोमीटर के बारे में जाना, अब हम जानेंगे फॉल्टी बैरोमीटर, FOULTY, AU है या OU है, ऐसे लिख देते हैं, अब इसको O भी समझ सकते हैं, A भी समझ सकते हैं, मतलब अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो कई बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉल्टी बैरोमीटर, भाई डॉक्टर लोगों को स्पेलिंग नहीं आती तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना, पैरासीटामो, अब पैरासीटा के बाद अब MAL है, MOL है, MOOL, पता उनको पता नहीं है तो वो ऐसे लिख देते हैं। तो फिर मैं भी क्या करता हूँ कि ऐसे ही लिख देता हूँ हमेशा, जब मुझे लगता है कि स्पेलिंग भूल रहा हूँ, फॉल्टी बैरोमीटर मतलब खराब बैरोमीटर, ऐसा बैरोमीटर जिसमें कुछ गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ वाला बैरोमीटर कौन होगा, तो गड़बड़ वाला बैरोमीटर भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मरकरी फिर भर दिया हमने, एक बार फिर से क्या करा हमने, मरकरी भर दिया, और मरकरी भर के फिर ऐसे ही एक वो ट्यूब डाल दी और यहाँ से शुरुआत कर दिया, और यहाँ पे ले लिया हमने ये गैस है या एयर है, या तो हमने गैस ले लिया या तो कोई एयर ले लिया, ठीक है, मतलब एयर तो कोई एयर क्या, एयर ले लिया और यहाँ पे मरकरी भर दिया। पहले क्या था, वो वैक्यूम था, तो वैक्यूम जो था वो प्रेशर कुछ नहीं लगाता था, लेकिन अब जब गैस आ गया ना तो गैस इसको नीचे धक्का देगा, गैस जो है एक्सपेंड होना चाहेगा, तो गैस एक्सपेंड होना चाहेगा तो गैस मरकरी को धक्का देगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट ए है और यही इसी पॉइंट पर हमने यहाँ क्या बना दिया, बी बना दिया, तो मतलब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर हमको प्रेशर निकालना है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना है, वो 1 atm है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, 1 atm को बोल दिया उसने कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 है मिलीमीटर एच जी, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लीजिए वो बोलते 700 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया तो यहाँ पर बोल देगा वो पी एक्सटर्नल। अभी हमने 1 atm ले लिया, आप चाहे तो P atm लिख सकते हैं यहाँ पर, P atm, अब 0.1 atm हो चाहे 0.5 atm हो चाहे 0.8 atm हो, जो भी हो P atm लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जो P atm है, यहाँ पे क्या होगा, मरकरी भी अपना प्रेशर लगाएगा और गैस भी अपना प्रेशर लगाएगा, तो जो P atm होगा वो होगा P गैस प्लस P मरकरी। पहले क्या था, पहले ये वैक्यूम था, तो पी गैस का कोई प्रेशर नहीं था, तो P atm जो था वही पी मरकरी था, मरकरी के लगाया द्वारा लगाया गया जो प्रेशर था, जो हमारा करेक्ट बैरोमीटर था उसमें मरकरी के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर था वही क्या था,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था, लेकिन फॉल्टी बैरोमीटर में ऐसा नहीं हुआ। अब फॉल्टी बैरोमीटर में अलग हो गया, समझ गए भाई, फॉल्टी बैरोमीटर में अलग हो गया। अब फॉल्टी बैरोमीटर में अलग अलग तरीका दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा, ये बना के एक पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, इफ स्पेस अबव द मरकरी एच जी, ये वाला स्पेस, इसको एच मान लेते हैं। इफ स्पेस अबव द मरकरी इज फिल्ड बाई, इफ स्पेस अबव द मरकरी इज फिल्ड बाई एनी गैस, इज फिल्ड बाई एनी गैस और एयर, फिल्ड बाई एनी गैस और एयर, देन सच टाइप ऑफ बैरोमीटर, सच टाइप ऑफ बैरोमीटर इज नोन एज, सच टाइप ऑफ बैरोमीटर इज नोन एज फॉल्टी बैरोमीटर, सच टाइप ऑफ बैरोमीटर इज नोन एज फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है। अब एक जगह पहले कहीं लिख लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, ऐसे लिख लीजिएगा, डी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये लिख के रख लीजिएगा भाई कहीं पर, है। तो मरकरी की डेंसिटी क्या है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमने कहीं लिख ले के रख लिया। चलो भाई, ये होता है। अब आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं इस पे, अब आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब आपको मान लेना है कि जैसे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये मान लेना है कि वन एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी है। मान क्यों लेना, मतलब होता ही है, लेकिन आपको ये मानना है कि जिस जगह पर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ का प्रेशर 1 atm है, मतलब बाहरी प्रेशर कितना, 1 atm, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन लिया, हमने बोला ऐसे ले लिया, अब ये कौन है, ये है मरकरी, इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये गैस है, ये गैस है, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड पी गैस, गैस का प्रेशर आपको बताना है, ऐसे बोल दिया गया, क्वेश्चन बोल दिया गया भाई प्रेशर गैस का आप बताइए, और आप मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर एस जी है, ठीक है। अच्छा, ये 15 सेंटीमीटर क्या मतलब क्या है कि इस मरकरी का जो प्रेशर लग रहा है वो 15 सेंटीमीटर एस जी लग रहा है, और बाकी जो प्रेशर लग रहा है वो गैस का लग रहा है। तो अब देखिए, यहाँ से ओपन एंड यहाँ है, जहाँ ओपन जगह मिलेगी, ओपन जगह जहाँ मिलेगी वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जहाँ ओपन जगह मिलेगी वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो यहाँ से लगेगा पी ए टी एम, ठीक है, पी ए टी एम। अब नीचे क्या लगेगा, अब जैसे यहाँ नीचे, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये जो हमारा मरकरी है इसका प्रेशर नीचे लगेगा पी एच जी, और इसका प्रेशर नीचे लगेगा पी गैस, और इन दोनों के प्रेशर को बैलेंस करेगा पी ए टी एम, इन दोनों के प्रेशर को बैलेंस करेगा कौन, पी ए टी एम। तो क्या हो गया, पी ए टी एम इज इक्वल टू पी गैस
प्लस पी मरकरी। पी एटीएम कितना है 76 सेंटीमीटर एससी। पी गैस कितना है नहीं पता हमको, वही तो निकालना है। पी मरकरी कितना है 15 सेंटीमीटर एससी, तो 15 सेंटीमीटर एससी पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब इसमें से पी गैस निकालने के लिए 76 में से 15 को घटा दिया, तो पी गैस क्या हो गया, पी गैस हो गया 76 माइनस 15। अब पाँच में से छः में से पाँच गया तो एक, और ये 61 सेंटीमीटर एसजी आया। तो 61 सेंटीमीटर एसजी ये क्या हो गया, गैस का प्रेशर हो गया, गैस का प्रेशर जो गैस हमने यहाँ पे ले रखी थी उसका प्रेशर हो गया। एक और क्वेश्चन कराएं आपको, मतलब इसमें और कई तरह के क्वेश्चन हैं, अपन क्या करेंगे ट्यूब को जो है वो भाई यू आकार की ट्यूब है तो इसका नाम क्या होगा, यू ट्यूब होगा है? इसका नाम यू ट्यूब रखते हैं हम लोग। तो हम इस यू ट्यूब को अब सीधा कर देते हैं और ले लेते हैं मरकरी यहाँ पर कितना 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ले लेते हैं गैस, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब आपको बोला गया फाइंड पी गैस। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझा करिए, बहुत ध्यान से समझा करिए। ये जो गैस है वो एक्सपेंड होना चाहता है, ऊपर था गैस जब जब इसको पलटा गया था ऊपर था तब वो मरकरी को धक्का दे रहा था नीचे की ओर, नीचे है तो भी मरकरी को धक्का देगा ये ऊपर की ओर, ठीक है, मरकरी को धक्का देगा ये ऊपर की ओर। अब हमने यहाँ पर बना लिया ऐसे, ये हमारा मरकरी है, ये मरकरी है, ठीक है, और ये गैस है, ये कौन है मरकरी है। यहां लग रहा है ओपन एंड पे क्या लग रहा है पी ई टी एम, गैस क्या कर रहा है ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, ये क्या है पी गैस, और मरकरी नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है पी मरकरी। क्यों मरकरी नीचे की ओर प्रेशर क्यों लगा रहा है, क्योंकि मरकरी तो भारी है ना भाई, मरकरी के प्रेशर का कारण तो उसका वजन है, एम जी है, एम जी द फोर्स बाई एरिया एम जी से लग रहा है ना, तो ये तो नीचे की ओर लगाएगा, गैस अपने आप को फैलाना चाहेगा तो मरकरी को ढकेलेगा, और ये तो ओपन एंड में लगता है चाहे जहाँ हो ये उतना ही लगेगा। तो आप देखो कौन सा प्रेशर किस डायरेक्शन में है कैसे है, उनको आपस में जोड़ो, जो सेम डायरेक्शन में है जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको बराबर कर दो, जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में, और ये मरकरी अपनी जगह पे फिक्स है, इसका मतलब है कि ये वाल ऊपर के जो प्रेशर है वो नीचे के प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पी गैस है वो बराबर है पी ई टी एम प्लस पी मरकरी के, पी ई टी एम प्लस पी मरकरी के बराबर है। तो पी ए टी एम कितना है 76, पी मरकरी कितना है 10 ही तो लिया है आपने, तो ये कितना हो गया 86 सेंटीमीटर एस जी, इतना प्रेशर लगाएगा ये गैस, समझ गए। तो फॉल्टी बैरोमीटर से हम बहुत कुछ सीखने लग गए, समझने लग गए, समझ रहे। तो ये दो क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा आपको कि ऊपर होगा तो कैसा होगा, नीचे होगा तो कैसा होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिया जाए, ऐसे ले लिया जाए, जो ये हमारा YouTube है, हम लोग YouTube ही बोलते लग गए इसको, ये हमारा जो YouTube है यहाँ पे हमने ये ले लिया मरकरी,
ये ले लिया मरकरी, ये हमने मरकरी ले लिया, ठीक है। और इसकी जो हाइट जो ये ले ली हमने वो 10 सेंटीमीटर ले ली, 10 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया गैस, यहाँ पे हमने ले लिया गैस, और यहाँ हमने एंगल ले लिया 30 डिग्री का, ठीक है। और आपसे पूछा गया फाइंड पी गैस, ठीक है, पी गैस बताइए। तो अब आप फिर एक बार यही काम करना चालू किए, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसका जो हाइट है वो ये वाला माना जाएगा, ये वाला, ना कि ये वाला। ये तो 10 सेंटीमीटर इंक्लाइन में है ना, सीधा एम जी तो नीचे सीधा लगेगा ना भाई, एम जी तो नीचे सीधा लगेगा। तो अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, पहले ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कितना है, ये इधर आ गया तो कितना हो गया, 10 cos 30, और ऊपर चला गया तो हो गया 10 sin 30। तो हमारा 10 sin 30, अब P गैस कितना हो गया, पहले तो क्लियर करिए, देखिए ध्यान से समझिए। इसका प्रेशर नीचे, इस गैस का प्रेशर ऊपर, और इसका प्रेशर भी नीचे, लेकिन कितना हाइट माना जाएगा, इतना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे लग रहा है प्रेशर, ऐसे सीधे ना दिखा के ऐसे दिखा सकते हैं कि इसका प्रेशर ऐसे लग रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इसका ऐसे क्यों दिखाया, इसको भी ऐसे, हाँ वो तो ये तो ओपन एरिया है, हर तरफ से प्रेशर लगेगा इसमें। तो देखिए जोड़ क्या क्या रहा है, पी ई टी एम और पी मरकरी जोड़ रहा है, और पी गैस के सामने है, तो आपने ले लिया पी ई टी एम प्लस पी मरकरी। अब पी ए टी एम तो आपका 76 है, पी मरकरी कितना है, 10 साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है मेरे ख्याल से, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती होगी, तो मतलब 1/2, तो 5 हो गया, तो मेरे ख्याल से 81 आ जाएगा, हमारे ख्याल से 81 सेंटीमीटर ऐसी आ जाएगा। बात समझ में आया आपको, क्लियर हुआ, कुछ आइडिया हुआ। चलिए अब एक और बात समझाएं आपको, इक्वल हाइट पे इक्वल प्रेशर लगता है, इक्वल हाइट पे इक्वल प्रेशर लगता है, इक्वल हाइट पे इक्वल प्रेशर लगता है, ठीक है। अब दो लिक्विड है, दो लिक्विड है, तो दो लिक्विड का प्रेशर जो होगा, अगर मान लो बराबर है, ऐसे कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये खुल जा रहा है ढक्कन, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब मान लीजिए कि पी कोई लिक्विड है, अननोन लिक्विड है, मुझे नहीं पता, पानी भी हो सकता है, पी मरकरी के बराबर है, तो ये कैसे, तो ये हो गया एच लिक्विड इंटू डी लिक्विड इंटू जी एच डी जी, एच मरकरी इंटू डी मरकरी इंटू जी, बगैर जी तो सबके लिए बराबर होगा, तो जी आपने जी से जी कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो एच मरकरी है वो कितना आएगा, वो आएगा एच लिक्विड इंटू डी लिक्विड अपॉन डी मरकरी।
जैसे मान लीजिए कि किसी लिक्विड की हाइट दी है और आप तो प्रेशर निकाल रहे हैं किससे, मरकरी के कॉन्सेप्ट से। मतलब अगर आपको मरकरी की हाइट पता चल जाए तो आप गैस वाले पी गैस को आप पी एटीएम में से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं सीधे 76 में से। लेकिन उसके लिए आपको मरकरी की हाइट पता होनी चाहिए, ना कि किसी और लिक्विड की हाइट। और किसी और लिक्विड की हाइट पता है तो उसको आप मरकरी की हाइट में चेंज करिए पहले, यही ना कर सकते भाई। तो आइए देखा जाए इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाए। ये क्लियर है, ये उतार लीजिएगा, इसको जो है उतार दीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया, हमने लिखवाया एच लिक्विड एच मरकरी इज इक्वल टू एच लिक्विड इंटू डी लिक्विड अपॉन डी मरकरी। ठीक है, अब मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब भैया हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ, हमने ले लिया ऐसे और यहाँ से हमने लिक्विड भरना चालू किया, यहाँ तक भर दिया भाई, कुछ दूरी तक भर दिया और इसका ऊंचाई ले लिया कितना, 30 सेंटीमीटर। अब भाई हमारे मन पर है हम जितनी ऊंचाई को कि जितना भी मान ले, और ये हमारा कौन है, ये हमारा गैस है और इसकी डेंसिटी जो है वो 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोई और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और आपको बोला गया फाइंड पी गैस, गैस का प्रेशर आप निकालिए। तो अब आप गैस का प्रेशर निकालने में हैबिचुअल किस में है, मरकरी से, मरकरी से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि लिक्विड की हाइट इतनी है तो मरकरी की कितनी होती इस जगह पे, तो सबसे पहले तो आप उस मरकरी की हाइट निकाल लीजिए। एच मरकरी इज इक्वल टू लिक्विड का कितना है, 30, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 6.8, मरकरी की कितनी है 13.6, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। मतलब मरकरी की हाइट 15 सेंटीमीटर होती अगर यहाँ मरकरी होता तो। अब ध्यान से देखिए, ये गैस कहाँ लगा रहा है प्रेशर, ऊपर, ये कहाँ लगा रहा है नीचे, और मरकरी कहाँ लगा रहा है नीचे, तो एटमॉस्फियर का और मरकरी का प्रेशर जुड़ जाएगा और दोनों बराबर किसके होगा, गैस के प्रेशर के। तो आप बोलेंगे पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी मरकरी, पी ए टी एम 76 और पी मरकरी कितना आ रहा है 15, तो 75 और 15 कितना होता है 90, तो ये हो गया 91 सेंटीमीटर एच जी। बात समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा आपके, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, पड़ा होगा मेरे ख्याल से, जरूर जरूर पड़ा होगा। थोड़ा और विस्तार से इसमें घुसें और मज़ा ले लें इस क्वेश्चन का, हाँ थोड़ा और मज़ा ले लेते हैं इसमें। कैसे मज़ा लेंगे वो बताते हैं आपको, देखिए एक और क्वेश्चन लिया जाए। और जो हमारा यूट्यूब है ना, अब वो बड़े लेवल पे हो गया, हमने यहाँ बना दिया गैस, ये हमने बना दिया क्या, ये हमने बना दिया गैस, ये हमने बना दिया लिक्विड, ये भी हमने बना दिया लिक्विड, ये भी हमने बना दिया लिक्विड, ये हमारा लिक्विड नंबर 1, ये हमारा लिक्विड नंबर 2, ये हमारा लिक्विड नंबर 3, तीनों को अलग अलग तरह के सिंबल दिखा दिए, लिक्विड नंबर 1, लिक्विड नंबर 2, लिक्विड नंबर 3। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर,
इसकी भी 10 सेंटीमीटर और इसकी भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हम डेंसिटी ऐसा ले रहे हैं जो 13.6 से कट जाए, मतलब ऐसा भी ना हो कि हम इतना ख़तरनाक ले लेंगे हमारा कट ही नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ डेंसिटी है 27.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 27.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोला गया फाइंड पी गैस, गैस का प्रेशर बताइए, गैस का प्रेशर क्या है बताना है। तो गैस का प्रेशर आपको बताने के लिए, अब यहां पर गैस का प्रेशर आप कैसे बताएं, तो हर लिक्विड की हाइट पहले मरकरी के टर्म में निकाल लीजिए, फिर सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करिए, फिर वो आपका तरीका वही है जो अभी तक हुआ है। तो पहले हम इसको चलो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, है ना भाई, अलग अलग मान ली। तो हमने बोल दिया एच यू पहले 1 निकाल लिया, एच जी 1 के लिए कितना, 10 × 3.4 / 13.6 ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। 2 एच एस सी कितना हो गया, तो यहाँ पर है कितना 6.8, तो 10 × 6.8 / 13.6 ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तीसरा एच एस जी कितना हो गया, 10 × 27.2 / 13.6 ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब ये टोटल एच एच जी कितना हो गया, तो सब जोड़ लिया, कितना हो गया भाई, 20 × 5 = 25 × 25 = 27 सेंटीमीटर ये आ गया। अब आप जानते हैं नीचे प्रेशर, नीचे से प्रेशर लगाएगा गैस, ऊपर एक्सपेंड होना चाहेगा, प्रेशर लगाएगा ऊपर, ये मरकरी तीनों नीचे, मतलब ये तीनों लिक्विड नीचे लगाएंगे और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे लगेगा, तो जो पी गैस है वो हो जाएगा 76 + 27.5। अब इनको जोड़ लेना, जो आया आपका वो क्या है आंसर, समझ पाए कुछ। तो ये हमारा बैरोमीटर वाला कुछ क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, केटीजी की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या हेडिंग डालेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।